Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share and follow. Assalamualaikum, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम गले में पाइपिंग लगाने का तरीका सीखेंगे। उसके लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो है 12 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में। यहाँ पर हमने बुकरम लगा के गले की कटिंग की है। ये इसमें जो हमने बुकरम इस्तेमाल किया है ये है 0 बुकरम, जिसे सॉफ्ट बुकरम भी कहा जाता है। डिज़ाइनिंग के लिए, पाइपिंग वगैरह के लिए हम यही बुकरम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर हमने गले में ये बुकरम लगाया है। आप सादा गला लगा बना के उस पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कपड़ा थोड़ा सा हार्ड हो तो डायरेक्ट भी आप उस पर पाइपिंग लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे बुकरम लगाया है। ये हमने 3 इसी तरह के गले कटिंग किए हैं और इस पर हम 3 तरह के पाइपिंग लगाएंगे। अब जैसा कि हमने जो गले की हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग की है उसमें हमने पिछले गले के लिए जो कपड़ा लिया था वो भी हमने इसी तरह तिरछा लेके उसकी कटिंग की थी। यहाँ पर पाइपिंग के लिए भी हम हमेशा इसी तरह का कपड़ा लेंगे और इसकी चौड़ाई जो है हम 1 इंच लेंगे। लेकिन अगर आपने पाइपिंग ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, तो इस हिसाब से आप इस कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी 1 इंच चौड़ाई लूँगी जो कि फोल्ड में है, तो ये 2 इंच बनेगी। 1 इंच पे निशान लगा के हम स्केल की मदद से, स्केल की चौड़ाई भी 1 इंच है तो स्केल की मदद से हम 1 इंच पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये 2 इंच कपड़ा है और फोल्ड में ये हमारे पास 1 इंच है। अब हमने इस कपड़े से पाइपिंग बनाना है। यहाँ पर जो हमने इस कपड़े की कटिंग की है, जैसे कि हमने पिछले गले में लगाया था उसी तरह से इसकी जो खुली साइड है इसको हम इस बुकरम के ऊपर रख के, ये खुली साइड इस बुकरम के ऊपर रख के यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने जितनी हमने पाइपिंग लेनी है, अगर आपने 1 सूत्र, 2 सूत्र, उससे ज़्यादा रखनी है पाइपिंग, जितनी आपको चौड़ी चाहिए या कम चाहिए उस हिसाब से आपने इस पे सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पर इस निशान के मुताबिक सिलाई लगा लेती हूँ तकरीबन 1 फेर के फासले पर। अब जब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे तो जो हमने पाइपिंग लगाने के लिए कपड़ा लिया है इसको हम हल्का सा खींचेंगे। हल्का सा, ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को हमने हल्का सा खींच के इसकी सिलाई लगानी है। ये इसकी सिलाई पूरी हो चुकी है।
अब इसमें भी हमने इसी तरह पाइपिंग वाला कपड़ा लगाना है। अब हमने जितनी पाइपिंग रखनी है उसको प्रेस कर लेंगे। आपने जितनी चौड़ी रखनी है उसी हिसाब से इसको प्रेस कर लें। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जो हमारे पास पहला तरीका है उसमें हमने इसके बीच में सिलाई करनी है, इन दोनों के बीच में। ये जो सिलाई है इसके बीच में से ही हमने सिलाई करनी है, ना पाइपिंग के ऊपर सिलाई आनी चाहिए और ना ही जो हमने बुकरम वाली साइड ली है इसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। जो सिलाई हमने पाइपिंग के लिए ली है उसके बीच में ही हमने सिलाई करनी है। ये इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने दूसरे रंग का धागा लिया है ताकि आपको नज़र आ सके, लेकिन आपने सेम कलर का लेना है तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये हमने इसके बीच में ही सिलाई की है। ये हमारे पास पाइपिंग लगाने का एक तरीका हो गया है। ये इसकी उलट साइड है और ये इसका फ्रंट है। अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके से पाइपिंग लगाना सीखेंगे। उसके लिए जो हमने पाइपिंग वाला कपड़ा लिया है उसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, यानी जो वाइट कलर का कपड़ा हमने इसके साथ जोड़ा है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। जो पाइपिंग वाली साइड है उसके ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पर भी आपने वाइट कलर का ही धागा यूज़ करना है। जैसे ही कपड़ा हो उसी तरह का धागा यूज़ करना है। ये इसकी उलट साइड है और ये फ्रंट है इसका। अब यहाँ पर जो है एक में हमने ऊपर सिलाई की है, एक के बीच में की है, यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे, यानी इस पाइपिंग में हमारे पास धागा नज़र नहीं आएगा बिल्कुल भी। हमने यहाँ पर छुपी या गुम तुरपाई करनी है ताकि धागा नजर ना आए। ये यहाँ पर हमने इसकी तुरपाई कर ली है, इसका धागा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ये हमारे पास पाइपिंग लगाने के तीन तरीके हैं। एक में हमने ऊपर सिलाई की है, एक के बिल्कुल बीच में, और एक में हमने तुरपाई की है।
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.